ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट शताब्दी एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचे, जहां ट्रेन से उतरने के बाद उन्होंने स्टेशन परिसर में ही लोगों को मास्क भी वितरित किए। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने सभी से कोरोना की तीसरी लहर को परास्त करने के लिए और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने के लिए अपील की। इन दिनों प्रदेश के जल संसाधन और जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ग्वालियर पहुंचते ही लोगों को मास्क भी वितरित किए। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि मास्क लगाकर ही घर से निकले, आपस में उचित दूरी बनाकर रखें और पूर्व की तरह अपने हाथ लगातार सैनिटाइज करें या फिर साबुन से धोते रहें। किया गया है, क्या जागरूकता फैलाई जा रही है? आप जानते हैं, एक बड़ी आपदा, बड़ा संकट, बड़ी चुनौती हम पिछले वर्षों से एक कोविड के रूप में झेल रहे हैं। हमने प्रथम लहर भी देखी है, द्वितीय भी देखी है और ये तीसरी लहर दस्तक दे गई है। ये हमें बहुत सचेत होकर चुनौती के साथ मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिदिन समीक्षा, मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा करते हैं और 24-24 घंटे उन्होंने जो पिछली चुनौती आई थी सेकंड लहर में, कई हमसे बिछड़े थे, उस चुनौती को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार बहुत गंभीरता से जो तीन चुनौतियां हमारे सामने थी पिछली द्वितीय चरण में, ऑक्सीजन, बेड, रेमडेसिविर और उससे ज़्यादा कोविड की गाइडलाइन का पालन करना, मास्क जरूरी है, दूरी जरूरी है और ये तभी संभव होगी जब ये आम लोगों का इसमें साझेदारी हो, हिस्सेदारी हो। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री ने सर्वे के आदेश दे दिए हैं, मुख्यमंत्री और हमारी सरकार किसानों के साथ है। मध्य प्रदेश की सरकार सजग है, जागरूक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक किसान के बेटे हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ भी अतिवृष्टि, ओले पड़े, सबके सर्वे के आदेश दे दिए। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के साथ जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।